उत्तराखंड प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर प्रदेश की जिला महानगर ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटियां 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिवसीय न्याय दो यात्रा आयोजित करने जा रही है। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसी के मौके पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में 14, 15 और 16 जनवरी को प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा निकाली गई। वही कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस अपना खोया हुआ जन आधार पाने के लिए अंकिता हत्याकांड के नाम पर राजनीति कर रही है। मामला न्यायालय में है और अपराधी जेल में है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, हम उत्तराखंड में उसको समर्थन करते हुए अंकिता को समर्पित करते हुए 3 दिन यात्राएं निकलेंगे, जो हर ब्लॉक मुख्यालय पर, हर विधानसभा में और हर जिला मुख्यालय पर हमारे कांग्रेस के नेताओं की लीडरशिप में निकलेगी और अंकिता को न्याय की लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। जो उसके पिता ने आरोप लगाए हैं निश्चित ही वो बहुत ही गंभीर है। कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार हासिल करने के लिए जिस बेटी ने शहादत दी है, जिस बेटी के साथ एक कृत्य हुआ है, उस बेटी के नाम पर राजनीति कर रही है। मामला न्यायालय में है, अभी तक कोई भी जो नामजद अपराधी थे उनकी जमानत नहीं हुई है, सब जेल में निरुद्ध हैं। कांग्रेस बेवजह लोगों को गुमराह कर रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और उस बिटिया के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है।